द सुपर टैलेंटेड एक्टर व्रजेश हीर जी और उनका साथ दे रही हैं हमारी अपनी भारी भरकम भारती। तो व्रजेश बना रहे हैं एक फिल्म और उनके पास भारती रोल मांगने आई हैं। आइए देखते हैं ये फिल्म कैसे बनेगी। हेलो, हाँ आमिर से बात हो सकती है? क्या हो सकती है? इसका मतलब वो खाली है आजकल? मुझे अपनी पिक्चर में खाली लोग चाहिए ही नहीं, रखो फोन। हेलो, हाँ शाहरुख से बात हो सकती है? क्या जब से आईपीएल की टीम खरीदी है तब से किसी से बात ही नहीं करता? लगता है किसी बड़े स्टार से ही बात करनी होगी। हेलो, हाँ चंकी पांडे से बात हो सकती है? क्या बिजी है? ये किसका टाइम वेस्ट कर रहा बिजी होकर यार? उनसे कहो ब्रजेश बोल रहे हैं। क्या कौन ब्रजेश? अरे कॉमेडी सर्कस से बोल रहे हैं। क्या कौन सा कॉमेडी सर्कस? अरे भाई अर्चना शेखर रोहित वाला। क्या कौन अर्चना शेखर रोहित? उनको भी नहीं जानते? अच्छा तब रखो फोन, मुझे लगा सिर्फ मुझे ही नहीं जानते। ओके बाय। आप लोगों को जानकर खुशी होगी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। फिल्म का नाम है पप्पू की पप्पी के पापी पापा का परिवर्तन पार्ट टू दी बिगेनिंग। अब आप सोचेंगे पार्ट वन बनी नहीं तो पार्ट टू कैसे? बात यह है कि मुझे पार्ट वन की स्क्रिप्ट अच्छी लगी नहीं थी तो मैंने कहा पार्ट टू पहले बना लेता हूं। इसीलिए पप्पू की पप्पी के पापी पापा का परिवर्तन पार्ट टू दी बिगेनिंग। वैसे ये टाइटल चेंज हो भी सकता है क्योंकि ये मैंने खुद ने चुराया है। देखिए इसमें प्रीतम का नाम नहीं आना चाहिए। वैसे मैं अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन ढूंढने आया हूं। कोई है? चेहरा देखो। मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाओ, वैसे मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ। सुबह सुबह मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? हो कौन तुम? सर मैं भारती। शकल जापानी कह रही है भारती अपने आप को। सर मैं भारती। हाँ तो बाहर थी तो अंदर आई क्यों? सर मेरा नाम भारती है। सर इधर करो मुंह। मारना मत, मारना मत। सर आप वही हो ना जिसकी फिल्म में रोहित शेट्टी ने एज ए डायरेक्टर काम किया है? बोला था ना मैंने। एक दिन आएगा मेरी वजह से तू भी फेमस हो जाएगा। देख मैं क्या बोलता हूँ, बिंदास बना गोलमाल पार्ट थ्री, बिंदास। मैं खड़ा हूँ तेरे आगे, बिंदास। सर प्लीज मुझे अपनी फिल्म में एक चांस दे दीजिए सर। इससे पहले कभी किसी फिल्म में काम किया है तूने? किया है ना सर, मैंने एक भोजपुरी फिल्म की है, सैया की नैया में पपैया। वहां भी खाना नहीं छोड़ा तूने कल मुही। और जब किया तो थोड़ा ढंग से कर लेती, दो चार लोगों को पता भी चल जाता। कैसे चलता पता सर, बैठते ही मेरे सैया की नैया डूब गई ना। और अब मेरी नैया डुबाने आई है तू? सर अब आपको तब पता चलेगा जब मैं आपके सामने एक्टिंग करके दिखाऊंगी। मैं क्या बोलता हूँ? एक्टिंग सबके सामने करना, जहां तक दिखाने का सवाल है मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। सर मैं भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। चलो कोई ऐसा डायलॉग बोल के दिखाओ जिसमें ना कॉमेडी हो। ओके सर, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। इसमें कॉमेडी कहाँ थी? सर मारो मत ना। नॉटी। सर्कस के पहले क्या था? कॉमेडी।
कॉमेडी सर्कस। अबे अब मुझे पता चल रहा है तेरी टीम इस शो से बाहर क्यों हो गई। माँ कसम यार, तेरू मालूम है तेरी वजह से एक टैलेंटेड लड़का आज रस्ते पे आ गया है। हाँ सर, परेश ना शरद। अच्छे खासे खाते पीते खानदान का था, आज डेली सोप करता हुआ घूम रहा है वो। मैं यहाँ किसी का ऑडिशन वॉडिशन लेने, अपनी हीरोइन को लेने नहीं आया फिल्म में। क्या? अबे क्या तो मुंह से ऐसे फट रहा है लावे की तरह, जैसे यशराज की फिल्म मिस हो गई हो तुझसे। अबे मैं यहाँ टीमों का हौसला बढ़ाने आया हूँ। अबे ओए चुप कर, अपनी हाइट तो ढंग से बढ़ा नहीं पाया। माँ सुना क्या कहा इसने, मैं ना कहता था ये दिन देखना पड़ेगा। अरे कम से कम थोड़े से कद वाले पापा चुन लेती तुम यार। सबका हौसला बढ़ाने आया है? अरे हौसला तो इनका मैं बढ़ाऊंगी। ये हौसला कैसे बढ़े, ये पेटवा कैसे घटे। अबे हौसला बढ़ाना है पेट नहीं, औरतों की डैनी डेंजोंगपा कहीं की डैनी। तो मारा क्यों यार? अरे विजेश सर ने क्या कहा था? क्या? ओहो उनके कहा था कि एक्ट जैसा मर्जी हो लेकिन लास्ट का पंच सॉलिड होना चाहिए। ये भी सही है। चल चाचा चलो चल। प्लीज वेलकम सीजन 1 से पूरंस के पट्टे स्वप्निल असानिया एंड वीआईपी असोनिया। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, एक मिनट, शाम हो गई अब रात की सेटिंग भी कर लेती हूँ। मेरे नए नए पति को कॉल करती हूँ। खच खिच कुछ 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 खिच कुछ। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहती है वो व्यक्ति दूसरी कॉलर के साथ, सॉरी मैंने अपना बता दिया, दूसरी कॉल पर व्यस्त है। ये कब से व्यस्त हो गया? कुछ समय पहले तक तो इतना खाली था कि राजेश खन्ना को इससे कॉम्प्लेक्स हो रहा था। एनीवेज वापस ट्राई करती हूँ। खिच कुछ 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 खच कुछ खिच कुछ। बिल ना भरने के कारण इनका कनेक्शन काट दिया गया है। चलो जान की खुशी हुई कि इन लोगों ने अब कनेक्शन भी काटते हैं। मैं निकला हो गड्डी लेके हो रस्ते पे, हाँ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। देखा आपने, मेरी शादी हो गई, डांसर्स अब आ रहे हैं। ओए मैं डांसर नहीं हूँ। छी तू डांसर भी नहीं है। ओए मैं सनी हूँ सनी, मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। एक मिनट, तुम सनी हो इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, या मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती इसलिए तुम सनी हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ जब तुम पाकिस्तान चली जाओगी तो टेनिस किसकी तरफ से खेलोगी? अगर मेरे सामने कोई हिंदुस्तान का खिलाड़ी होगा तो पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगी, और अगर मेरे सामने कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी हुआ तो हिंदुस्तान की तरफ से खेलूंगी। अगर कोई और देश के सामने आ गया तो क्यों खेलूंगी, हारना थोड़ी है। ओए हारने से याद आया मुझे, थैंक यू, हारने से मुझे याद आया कि अचानक तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर ये सोहेब से शादी क्यों कर ली। मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, और तुम सानिया मिर्जा हो या सानिया मर्जी, जब देखो अपनी मर्जी चलाती रहती है, मैं तुम्हें पाकिस्तान जाने दूंगा। मैं ऊपर तक जाऊंगा, ऊपर तक। लोग भी बड़े अजीब होते हैं, अब उस देश के लोग हैं जो इस देश के लोगों को वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं, और इस देश के लोग हैं जो उस देश का जीजा रिजेक्ट कर रहे हैं। जीजा से मुझे याद आया, शेखर आप मेरे निखा पे क्यों नहीं आए? एक बार कह देते आपका मन है आने का तो मैं इनवाइट कर लेती ना। एनीवेज अभी मत आना, अभी मेरी सुहागरात है। इतने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू पापा के वादे, तूने कहा था ठाकर कसमें सदा निभाएंगे प्यार की रस्में तू। हाँ।
औरों की क्यों हो गई? औरों की क्यों? I'm so sorry, excuse me, मैंने आपको पहचाना नहीं. देखा अर्चना, इसे तो अपनों की भी पहचान नहीं है और विदेशियों में शादी कर रही है. Excuse me, अभी अर्चना कौन है? Oh my God, तुम्हें तो मर्दों की भी पहचान नहीं है. फिर भी शादी कर ली. एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. आप कौन है और यहाँ क्या करने आई है? मैं सोनिया हूँ, सोनिया. मेरे हाथ में इस देश की बैकडोर है. तो इधर से निकलो, पीछे बैकडोर है. मैं यहाँ से जाने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूँ कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे मर्द हैं. हाँ, दो तो मेरे सामने बैठे. दो नहीं नहीं, अर्चना भी मर्द ही है. Really? इतने अच्छे मर्दों को छोड़कर तुम विदेश में शादी कर रही हो. तुमने हिंदुस्तानी लड़के से शादी क्यों नहीं की? कैसे करती? कैसे करती मैं हिंदुस्तानी लड़के से शादी? बचपन से लेकर आज तक एक ही चीज सिखाई है मुझे. इंडिया इज माई कंट्री. All Indians are my brothers and sisters. कैसे करती? और वैसे भी जिससे मेरी शादी हुई है ना, is a very good cricketer. गुड़ है तो सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगा ना. Excuse me, it's not funny, okay? ये वाला गुड नहीं है, ये वाला गुड है. He's a good cricketer. Okay, okay. तभी तुमने उसको वरमाला डाल दी. वरमाला से मुझे याद आ गया, आपका बेटा राहुल कैसा है? Oh my God, इसे वरमाला से राहुल याद आ गया. और एक मेरा राहुल है जिसे सिर्फ वरमाला ही याद आती है. उसके लिए कोई अच्छी लड़की क्यों नहीं देखते मुझ जैसी? तुम्हारे जैसी बहुत देख चुका है, शादी के लिए ढूंढ रहा है. देखिए देखिए, मैं शोहेब के साथ अपना घर बसाऊंगी. लो, जो देश उजड़ रहा है ये वहां घर बसाने की बात कर रही है. देखो बेटी, उन खिलाड़ियों में कैच छोड़ना और बीबी छोड़ना एक ही बात है. एक मिनट, आपको शायद पता नहीं है, मेरा शोहेब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों में से एक है और पिछले विंबलडन के बाद मैं 26वें रैंकिंग तक पहुंचने वाली थी. वेरी गुड. 26वीं रैंकिंग तुम्हारी, या 11 खिलाड़ी उनके, या एक बात याद रखो बेटी, ये 26-11 हम शायद भूल भी जाए लेकिन ये देश वो 26-11 कैसे भूल सकता है? तालियां. देखिए ये कॉमेडी शो है, आप सटायर पे सटायर वाली लाइनें मारती जा रही ना, हम लोग शो से बाहर हो जाएंगी. इसे शो से बाहर जाने की फिक्र पड़ी है, देश से बाहर जा रही उसकी कोई फिक्र नहीं है. आप मेरे शोहेब के प्यार को सरहदों से नहीं रोक सकती. और उन्होंने जो प्यार को रोक के सरहदें बनाई उसका क्या? Whatever, मेरी शादी हो गई है. तेरी शादी हो गई? तू तो दूसरी है. पहली वाली को तलाक दिया कि नहीं दिया? दे दिया, पहली वाली को तलाक दे दिया. और हर महीने शोएब उसे 5,000 रुपए भी देने वाला है. तो अमेरिका से बात हो गई? अमेरिका से क्यों? जिस तरह से उनके देश के हालात है उससे तो यही लगता है कि शोएब अमेरिका से 5,000 उधार मांग के ही देगा. प्लीज, शोएब बिल्कुल पैसे उधार नहीं मांगता, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है. वो अगर किसी से पैसे उधार लेगा सिर्फ मुझसे. पैसों से याद आया यार, कोई मेरी पेमेंट दिला दो यार. बे, तू कैरेक्टर क्यों छोड़ रहा है? ए, जब तू एक आदमी के लिए देश छोड़ सकती है तो क्या मैं कैरेक्टर नहीं छोड़ता एक लाइन के लिए? हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, जब मैं इस देश में आई थी इस देश ने मुझे और मैंने इस देश को इस तरह से अपनाया था, मुझे लगा कि मैं इस देश की बहू नहीं बेटी हूँ. मैं भी इसी देश की बेटी हूँ. आज आपसे और पूरे देश से ये वादा करती हूँ कि जहाँ भी जाऊँगी अपने देश का, अपने देश की मिट्टी का नाम रोशन करूँगी. ये वादा है मेरा आप सबसे. शटर डाउन.